तो दोस्तों आज सीन कुछ ऐसा हो रखा है ना कि पावर कट हो रखी है, सो घर पे ना थोड़ी लाइट की कमी थी, सो मैंने सोचा नेचुरल लाइट का यूज़ कर लेते हैं। सो स्वागत है आप सभी लोगों का चैनल पे एंड रिव्यू। तो आप देख ही चुके हो किसका है, मतलब टाइटल पे तो पढ़ ही चुके होंगे। सो Oneplus Bullet वायरलेस जी बेस एडिशन, ये जो ईयरफोन है काफ़ी ज़्यादा डिमांड में थे, इनको मैंने थोड़े दिनों के लिए यूज़ किया। इनके बेस्ट बैंगलिंग्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इनका जो प्राइस है दैट इज़ 2000 रुपीज़ राइट नाउ, एंड इनमें आपको 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है। बिल्ड क्वालिटी कैसी है वो मैं बता देता हूँ। बिल्ड क्वालिटी एकदम तगड़ी है, मेटल और सिलिकन का यूज़ किया गया है, सो प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी है। एंड जो डॉक है उसमें जो बटन्स मिलते हैं वो भी काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के हैं, एंड उनका फीडबैक भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। सो ओवरऑल जो यूज़र एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है वो कमाल का मिलने वाला है। लेकिन एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इनमें आपको मैग्नेटिकली कनेक्टेड ईयरबड्स मिल जाते हैं, सो जब भी आप इनको यूज़ नहीं कर रहे हो आप इनको मैग्नेटिकली कनेक्ट कर सकते हो, एंड वो कुछ फंक्शंस के साथ भी आते हैं। लाइक उनको मैग्नेटिकली जैसे ही कनेक्ट करोगे तो ये बंद हो जाते हैं, इनमें कोई पावर ऑन ऑफ बटन नहीं है। एंड जैसे ही मैग्नेटिकली आप इनको अलग करते हो एंड अपने कानों में वापस डालते हो तो ये ऑन हो जाएंगे एंड आपके लास्ट पेयर ब्लूटूथ डिवाइस के साथ तुरंत कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन जब आप गाने वगैरह सुन रहे हो जैसे ही मैग्नेटिकली कनेक्ट करोगे ना तो गाना जो है वो पॉज हो जाता है, लेकिन जैसे ही वापस आप अपने कानों में इन ईयरबड्स को लगाओगे तब गाना जो है वो रिज्यूम नहीं होता है। सो ये चीज़ मुझे थोड़ी ख़राब लगी, मतलब यूज़र एक्सपीरियंस को ख़राब करती है। IP रेटिंग की अगर बात करूँ तो IP55 की रेटिंग मिल जाती है, मतलब आपको डस्ट रेजिस्टेंस एंड वाटर रेजिस्टेंस दोनों ही मिल जाता है, सो जिम वगैरह में आराम से यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कनेक्टिविटी की अगर बात करूँ तो एज सच काफ़ी ज़्यादा स्टेबल कनेक्टिविटी थी एंड कोई भी दिक्कत नहीं आई। प्लस उसके बाद आपको काफ़ी बढ़िया रेंज मिल जाती है इनमें, वन ऑफ द बेस्ट रेंज प्रोवाइड करने वाले हैं ये ईयरफोन्स आपको, एंड इनमें आपको डबल AC कोडेक भी मिल जाता है। प्लस आप एक साथ 3 डिवाइसेस में इनको कनेक्ट कर सकते हो एंड उनके बीच में स्विच कर सकते हो, सो ये बहुत ही ज़्यादा हैंडी फीचर है एंड यूज़र एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा एनहांस करता है। ऑडियो क्वालिटी की अगर बात करूँ तो ट्रेबल बहुत ज़्यादा अच्छा है, एंड इसमें जो आपको वोकल्स मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हैं, क्लीन है, थोड़े से एम्पलीफाइड हैं, बट डोंट टेक मी रॉन्ग हियर, मतलब एम्पलीफाइड अच्छे वे में, जिसकी वजह से आपका म्यूज़िक एक्सपीरियंस बेटर हो जाता है, सो आपको वो पसंद आएगा। अब बेस एडिशन है तो बेस की बात भी कर ली जाए। बेस इनमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लाइक बड़ा बेस है, उसके अलावा काफ़ी टाइट बेस है, सो आपको एक जो चीप सस्ते जो ईयरफोन्स होते हैं उनमें जैसा बेस मिलता है ना वैसा नहीं मिलेगा, मतलब उनमें भी बेस बड़ा होता है बट वो टाइट नहीं होता, वो बिखर जाता है, इनके बेस बिखरते नहीं हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा पंची बेस आपको फील होता है, जिसकी वजह से ओवरऑल म्यूज़िक एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रहता है एंड एन्जॉयबल रहता है। सो दोस्तों अब बात कर लेते हैं लेटेंसी के बारे में। लेटेंसी बहुत ही ज़्यादा कम थी, मतलब स्पेसिफिकली ऐसे कोई गेमिंग मोड तो नहीं मिलता है, बट आप गेम्स वगैरह आराम से खेल सकते हो एंड मूवीज़ वगैरह भी देख सकते हो, लेटेंसी क्योंकि कम है, सो इन दोनों चीज़ों को करते हुए आपका एक्सपीरियंस मस्त रहने वाला। एंड गेमिंग करते टाइम आपको जो डिटेल्स वगैरह सुनाई देती हैं वो भी बहुत ही अच्छे से ये मेंटेन करके आपको सुनाता है, जिसकी वजह से आपका गेमिंग एक्सपीरियंस एनहांस हो जाता है। अब अगर मैं कॉलिंग की बात करूं तो इंडोर्स में करो कॉलिंग या आउटडोर्स में करो, आपका एक्सपीरियंस अच्छा ही रहने वाला है, मतलब मैंने दोनों जगह ट्राई किया, इंडोर्स में भी आउटडोर्स में भी कॉलिंग एक्सपीरियंस बढ़िया था। एंड ये रही मेरी कॉल रिकॉर्डिंग, आप सुन लो, आपको एक बेटर आइडिया लग जाएगा। हाँ, सो ये नेकबैंड जो मैं यूज कर रहा हूँ अभी कॉलिंग के लिए, दीज आर Oneplus Bullet Z बेस एडिशन, ठीक है? ओके। एंड अभी मैं रूम में हूँ और कुछ भी मतलब नॉइज नहीं है बैकग्राउंड में, एनवायरमेंटल नॉइज नहीं है, फैन भी बंद है, तुझे मेरी आवाज कैसी सुनाई दे रही है? मस्त है, एकदम क्रिस्टल क्लियर, एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ नेक बैंड। हाँ, सो फैन फुल स्पीड पे चला दिया मैंने एंड सेम एनवायरमेंट में हूँ, बस फैन ऑन किया और एकदम नीचे खड़ा हूँ फैन पे, फुल स्पीड का फैन, तो तुझे अभी मेरी आवाज कैसे सुनाई दे रही है? ऑलमोस्ट सेम ही है, मतलब जस्ट जब तू फर्स्ट टाइम आया शायद पंखे के नीचे तब हल्की सी, मतलब वो भी नेग्लिजिबल, लाइक लिटरली मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, बट पता नहीं ये वरना तेरी वॉइस में कोई डिफरेंस नहीं है, एकदम क्लियर ये सब कुछ। भाई अभी ना मैंने ट्रैफिक की नॉइज ऐड कर दिया बैकग्राउंड में, एकदम लैपटॉप पास ही में है, तो बैकग्राउंड नॉइज कैसे सुनाई दे रही है जितना भी तू मेरी आवाज, मतलब जब मैं बोल रहा हूँ तो तेरे को बैकग्राउंड नॉइज कितनी सुनाई दे रही है, कितनी नहीं सुनाई दे रही है? बस एक ही हॉर्न पर्टिकुलरली शायद जो सबसे लाउड है वो सुनाई दे रहा है, वरना तेरी आवाज में ऐसा कोई हिंड्रेंस नहीं, तेरी आवाज क्लियरली आ रही, मतलब बात समझ में आ रही है आराम से, तो कोई इश्यू नहीं है, है पीछे का नॉइस तो थोड़ा बहुत सुनाई देता है बट तेरी आवाज आ रही है अच्छे से। सो गाइस अभी आखिर में बात कर लेते हैं बैटरी बैकअप कैसे मिलती है, एंड इनमें मुझे सिंगल चार्ज में ऑलमोस्ट 10 घंटे से लेके 11 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल गया। एंड ये जो बैटरी बैकअप है बाय द वे वो इंक्लूड करती है कॉलिंग को, गेमिंग को, जो कंपनी है वो 17 आवर्स तक का बैटरी बैकअप क्लेम करती है, बट
वो ऐसा है कि वो अगर आप 30-50% के बीच में सुनोगे गानों को तभी, एंड सिर्फ म्यूजिक लिसनिंग के लिए, गेमिंग इंक्लूडेड नहीं है उसमें, ठीक है, एंड ना ही कॉलिंग इंक्लूडेड है। मैंने जो आपको बैटरी बैकअप बताया वो कॉलिंग और गेमिंग के साथ है। बाय द वे चार्ज करने में कितना टाइम लग जाता है आप ये सोच रहे होगे, सो चार्ज करने में ऑलमोस्ट इनको 45 मिनट से लेके एक घंटे के आसपास लग जाता है। एंड ये जो कंपनी क्लेम करती है कि 10 मिनट अगर आप चार्ज करोगे तो आपको 10 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, वैसा मुझे तो नहीं मिला, आपको मिला तो कमेंट करके बताओ। सो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पे नए हो, एंड अगर आपका फर्दर कोई भी सवाल या सुझाव है या फिर और कौन से ईयरफोन्स हैं जो इस प्राइस ब्रैकेट में उनसे अगर आपको कोई कंपैरिजन वीडियो चाहिए तो कमेंट कर सकते हो। बाय द वे बहुत लोग शायद ये सोच होंगे कि क्या 2000 रुपये में हमको TWS लेना चाहिए या हम इनको ले सकते हैं, मैं यही बोलूँगा विदाउट इवन अ सेकेंड थॉट आप इनको लो rather going for a TWS. TWS से much better है ये almost हर एक aspect में। So दोस्तों ये थी पूरी वीडियो, like, share, subscribe please कर देना, अच्छा लगता है, and मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, until then over and out.